हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइज रेसिपीज। दोस्तों, हमारे इंडियन फूड में कई अलग अलग तरह की दाल है और हमें सभी दालों का सेवन करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ एक ही दाल पसंद होती है, तूर दाल, जिसे अरहर की दाल बोलते हैं। और वही एक दाल हम रोज खाएंगे तो बोर हो जाते हैं। तो मैं आज आपको दाल एक लेकिन 7 दिन की 7 अलग टेस्ट के साथ आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको 7 तरह की टेस्ट दिखानी है, इसलिए मैंने 2 कटोरी तुअर की दाल लेके उसे डबल पानी डाल के कुकर में अच्छे से पका ली है। अब इसमें यदि ज़्यादा पानी होगा तो इसको हम पहले निकाल लेंगे और फिर चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये आप इस तरह से भी हम पानी निकाल सकते हैं, या तो फिर हम इसके ऊपर प्लेट रख के पानी निकाल सकते हैं। तो जिन्हें ऐसे पानी निकालना नहीं आता है, वो प्लेट रख के भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं है, पूरा पानी ख़त्म हो गया है। तो अब इसको हम इस बड़े चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से चम्मच से पूरी दाल मिक्स होनी चाहिए, तभी दाल का मज़ा आता है। यदि आपको चम्मच से दाल घोटना नहीं आती होगी तो आप इस रवई से भी आप इसको दाल को अच्छे से ऐसे घोट सकते हो। इस तरह से मेरी ये दाल पूरी अच्छे से घोट गई है। अब इसे मैं बड़े बर्तन में लेके उसमें पानी डालते मिक्स करूँगी। अब इस दाल में हम पानी डाल के धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे, एक साथ पानी मत डालिए। अभी तो ये दाल बहुत गाढ़ी है, ये उबलने के बाद और गाढ़ी होती है, इसलिए इसमें काफ़ी पानी डालना पड़ेगा। अब ये थोड़ी पतली हुई है, उबलने के बाद हम और पानी लगेगा तो ऐड कर सकते हैं, तो अभी इतना काफ़ी है। अब इसमें हम जो बेसिक है नमक और गुड़, ये हम थोड़ा सा डाल के हम इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे। अभी ये दाल ज़्यादा है और सभी दाल में मैं 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा डाल रही हूँ बस। बाद में हम जैसे आपके टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर लेना, इतना तो बेसिक उसमें लगेगा ही। और कोई भी दाल खट्टी मीठी अच्छी लगती है, तो ज़्यादा मीठा नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको मीठेपन के लिए ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ डाला है। अब इसे हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक दाल के 7 अलग अलग टेस्ट दिखा रही हूँ, तो आप इस वीडियो को बीच में स्किप करके मत देखिए, क्योंकि हो सकता है उससे नहीं तो आपका कोई अच्छी इंटरेस्टिंग टेस्ट की रेसिपी छूट जाएगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बैंगन की दाल बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने 2 बैंगन को बारीक बारीक काट लिए हैं, 1 टमाटर बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च ले ली है, ये इमली का जूस निकाल के लिया है, फ्रेश हरा धनिया को काट लिया है, राई है, लहसुन बारीक कूट ली है, और ये दाल ली है जिसमें नमक और गुड़ मिलाया हुआ है, ये बघार के लिए तेल है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धना पाउडर और नमक भी लिया है। मैं गैस ऑन करती हूँ और कढ़ाई गर्म करने के लिए रखती हूँ और उसमें बघार के लिए थोड़ा तेल डालती हूँ। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम राई डालते हैं, तड़कने की आवाज़ आएगी। हम कटी हुई हरी मिर्च डालते हैं, कुटी हुई लहसुन डालते हैं, क्योंकि बैंगन के दाल में लहसुन बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं खाते हैं लहसुन तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, उसके बदले में आप जीरा डाल दीजिए। अब इसमें हम कटा हुआ टमाटर डालते हैं। अब इसमें हम बैंगन डालेंगे, जो 2 बैंगन मैंने काट के रखे थे, और बैंगन को हमेशा आप पानी में डालिए, क्योंकि इसके नहीं तो ये काले हो जाते हैं, और पानी में से निकाल के फिर हम बैंगन इसमें डालेंगे। अब इसमें जो हमने सब्जियां डाली है उसके लिए हम थोड़ा नमक डालेंगे, लेकिन सब्जी के हिसाब से ही डालेंगे, क्योंकि दाल में ऑलरेडी नमक डला हुआ है, तो इसलिए मैं ये 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, जो कि ये सब्जी के लिए बराबर है। और इसके ऊपर प्लेट ढक देंगे ताकि ये बैंगन और टमाटर नरम हो जाएंगे। इसके ऊपर हम प्लेट ढक देते हैं और गैस की फ्लेम सीम रखेंगे और 1 मिनट के बाद खोल के देखते हैं।
अब 2 मिनट हो चुके हैं, हम प्लेट निकाल के देखते हैं। हमारी सब्जियाँ पक चुकी है, अब इसमें हम दूसरे मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धना पाउडर। ये सारे मसाले आप आपके क्वांटिटी के अनुसार और टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम ये बॉईल करी हुई दाल डालेंगे। खट्टाई के लिए इमली का रस जो निकाला है वो डालेंगे, ताकि खट्टी मीठी दाल अच्छी लगेगी। अब ये गाढ़ी है इसलिए इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि दाल अभी और बॉईल होगी 5 मिनट, इसलिए थोड़ा पानी और डालेंगे। अब ये काफ़ी है, इसको हम बॉईल करने के लिए फिर से थोड़ा सा आधा खुला आधा ढका हुआ ऐसी प्लेट रखते हैं और 5 मिनट इसको बॉईल होने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम प्लेट निकाल के देखते हैं। हमारी दाल बॉईल हो चुकी है, अब हम इसे बंद कर देते हैं। अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये दाल हमारी बन चुकी है, अब इसमें हम ये थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं। ये बॉईल होते हुए नहीं डालना, क्योंकि नहीं तो इसकी खुशबू उड़ जाती है। तो अब इसमें हम ये गरम मसाला डालेंगे और हिला के प्लेट से ढक देंगे, ताकि इस गरम मसाले की जो खुशबू है वो दाल में ही रहेगी। और इसको प्लेट से हम अब ढक देते हैं। अब ये फ्रेश कोकोनट की दाल बनाने के लिए हरी मिर्च, फ्रेश कोकोनट और जीरा, ये तीनों चीज़ें मैं मिक्सर में डाल के इसकी पेस्ट बना लूँगी और फिर हम दाल के बघार के लिए कढ़ाई रखते हैं। मैं गैस ऑन करती हूँ और कढ़ाई गरम करने के रखती हूँ और उसमें तेल डाल देते हैं बघार के लिए। गैस की फ्लेम मीडियम रखते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम राई डालते हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल सीम रखेंगे। अब इसमें हम हींग डालेंगे और ये जो पेस्ट हमने बनाई है, मिर्ची, फ्रेश कोकोनट और जीरा, ये पेस्ट हम डालेंगे इसमें। इसके साथ ही हम ये मीठे नीम के पत्ते डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप आपके स्वादानुसार डालिए, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है। आप यदि चटपटा खाते होंगे तो लाल मिर्च आपके स्वादानुसार डालिए, मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ। धना पाउडर। अब इसमें हम दाल डालेंगे। ये गाढ़ी है, इसमें और पानी डालते हैं। दोस्तों, ये हमारी फ्रेश कोकोनट और मीठे नीम की दाल तैयार हो गई है। ये टेस्ट में अलग ही लगेगी। अब हम तीसरी टेस्ट की दाल बना रहे हैं। इसमें हम तड़का देंगे। दाल को कढ़ाई में हम नहीं डालेंगे, दाल अलग से बॉईल करेंगे और उसमें कढ़ाई में तड़का बना के सिर्फ उसको दाल के ऊपर डालेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी लगती है। और खाना खाते टाइम इसके में आप आपके चॉइस अनुसार नींबू डाल दीजिए। तड़का दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बॉईल दाल ले ली है, जिसमें नमक और गुड़ मिलाया हुआ है। 2 हरी मिर्च काट ली है, ये खड़ी लाल मिर्च ली है, हींग है, राई है, जीरा है, नमक है, नींबू और ये फ्रेश हरी कटी हुई धनिया है। अब हम तड़का लगाते हैं। ऑन करती हूँ और ये छोटी कढ़ाई तड़का के लिए रखती हूँ गरम करने के लिए। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे तड़के के लिए। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम राई डालेंगे। राई अच्छे से डालना है इसमें। जीरा डालते हैं, हींग डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालते हैं और ये अच्छी साबुत लाल मिर्च डालेंगे। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे, क्योंकि खड़ी मिर्च डाली है, तो सिर्फ हल्दी डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। अब ये गैस बंद कर देते हैं। हमारी बघार तैयार हो गई है, इसमें हम दाल के ऊपर डालते हैं।
ये दाल हम बगार हमारी तैयार हो गई है। हम इसे बगार दाल में डालते हैं। देखिए कितना बढ़िया ये कलर आया है। इसमें लाल मिर्च नहीं है, सिर्फ खड़ी मिर्च है, तो इसका कलर कुछ अलग ही लगेगा। और खाते टाइम इसमें आप नींबू डाल दीजिए। इसमें फ्रेश हरा धनिया डालते हैं कटा हुआ। और दोस्तों ये दाल आपके बच्चे भी खा सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं है, सिर्फ लाल मिर्ची और खड़ी लाल मिर्च है और हरी मिर्च है, तो ये सभी को बहुत पसंद आएगी। दोस्तों अब मैं आपको सूजने की फली की दाल बता रही हूँ। इसके लिए ये सूजने की फली है, इसको अच्छे से धो के, ये जो आलू छिलने का रहता है इससे मैंने हल्के हल्के इसके छिलके निकाल लिए हैं और छोटे टुकड़े करके पानी में नमक और शक्कर डाल के 10 मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव में बॉईल किया है। आप इसे गैस पे भी बॉईल कर सकते हैं। नमक और शक्कर डालने से इस फली में नमक भी लग जाता है और थोड़ी मीठी भी लगती है। दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बॉईल करी हुई जिसमें नमक और गुड़ है वो दाल ले ली है। सूजने की फली है, चार फली है, उसको बॉईल कर लिया है। राई है, जीरा, हींग, तीन हरी मिर्च काट ली है, एक टमाटर बारीक काट लिया है, नमक है, खट्टाई के लिए नींबू है और फ्रेश हरा धनिया है। अब हम दाल के बगार के लिए कढ़ाई गैस पे रखते हैं। मैं गैस ऑन करती हूँ और कढ़ाई गर्म करने के लिए रख के उसमें तेल डालती हूँ बगार के लिए। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम राई डालते हैं। राई की आवाज़ आ रही तड़कने की। इसमें हम जीरा भी डालेंगे। गैस बिल्कुल सिम कर देंगे। कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं। हींग डालना है और अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डालते हैं। टमाटर के लिए हम इसमें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून नमक डाल देते हैं, ताकि टमाटर नरम भी होगा और नमक भी अच्छे से लग जाएगा। अब हम मसाले डालते हैं। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 को भी थोड़ा सा कम ली है। टमाटर थोड़ा नरम होने के बाद इसमें हम दाल डालेंगे। दोस्तों दाल में हम ये बॉईल करी हुई सूजने की फली डालेंगे और उसका जो पानी है वो भी हम इसी में डालेंगे, क्योंकि पानी में उसकी सारी टेस्ट होती है। अब ये दाल हम बगार में डाल देंगे और इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डालते हैं क्योंकि दाल बॉइल्ड होगी। खट्टाई के लिए नींबू डालते हैं। आपके पास जो भी खट्टाई के लिए होगा वो भी डाल सकते हैं। जैसे गर्मी का सीज़न आएगा तो आप इसमें कैरी भी डाल सकते हो। बॉईल करने के लिए हम प्लेट ढक के रखते हैं। हमारी दाल बॉईल हो चुकी है। अब इसमें हम फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। गैस बंद कर देते हैं। दोस्तों हमारी ये सूजने की फली की दाल तैयार हुई है। सूजने की फली बहुत हेल्दी होती है, तो वीक में तो आप ये दाल जरूर बनाइए। अब हम मसाले वाली दाल बनाते हैं, तो उसके लिए ये बॉईल करी हुई जिसमें नमक और गुड़ है ये दाल ले ली है मैंने। और खट्टाई के लिए इमली का रस लिया है। राई है, अदरक, 2 हरी मिर्च काट ली है, लहसुन की कलियां है, 1 प्याज बारीक काट लिया है, नमक है, ये ताज़ा मसाला बोलते हैं जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी और शाहजीरा होता है, उसकी मैं पाउडर बना के रखती हूँ। तो ये मैंने ये ताज़ा मसाला लिया है और ये तेजपान लिया है। अब हम बगार के लिए कढ़ाई गैस पर रखते हैं। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम राई डालते हैं और ये अदरक, हरी मिर्च और प्याज की थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बनाई है वो हम इसमें डालेंगे। उसके पहले हम ये तेजपान के पत्ते डालेंगे और अब ये मसाला डालेंगे। कुछ लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप मसाला वगैरह सब डालिए। मसाला भूनते टाइम ही हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डालते हैं। 1/4 टीस्पून मसाले के लिए हम नमक डालते हैं, बाकी आप टेस्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं।
क्योंकि हमारे दाल में नमक है। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डालते हैं, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे क्योंकि थोड़ा मसाला भी गरम मसाला भी है, इसलिए थोड़ी कम लाल मिर्च डालेंगे। मसाला हमारा भून चुका है, अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम दाल डाल देंगे और थोड़ा पानी भी डालेंगे, खटाई के लिए इमली का जूस डालेंगे। थोड़ा पानी डालते हैं इसमें और ये इमली का जूस डालते हैं। इसमें मैं ये जो बड़ी इलायची, दालचीनी और शाहजीरा की पाउडर डाल रही हूँ, ये यदि आपके पास नहीं होगा तो आप इसमें गरम मसाला डाला तो भी चलेगा। अब हम दाल बॉईल होने के लिए इसमें 2 मिनट रखते हैं और इसके ऊपर प्लेट ढक देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी दाल बॉईल हो चुकी है। दोस्तों, दाल की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इसलिए आप दाल को एक बार टेस्ट करके, नमक कम होगा तो आप नमक ऐड कर दीजिए। अब इसमें हम फ्रेश कटा हरा धनिया डाल देते हैं और हमारी दाल बन चुकी है। गैस बंद कर देते हैं और सर्विंग बाउल में निकालते हैं। ये हमारी मसाले वाली दाल तैयार हो गई है। अब हम पालक की दाल बनाते हैं, जिसमें मैंने बॉईल करी हुई, जिसमें नमक और गुड़ है, दाल ले ली है। 1 कटोरी बारीक कटा हुआ पालक लिया है, राई है, 2 हरी मिर्च काट ली है, 3-4 छोटी खड़ी लाल मिर्च ली है, लहसुन की कलियां 10-12 बारीक कूट ली है, नमक है और खटाई के लिए अमचूर पाउडर है। अब मैं गैस ऑन करती हूँ और कढ़ाई गरम करने के लिए रखूंगी, जिसमें मैं तेल डालती हूँ। गैस की फ्लेम मीडियम रखते हैं तेल गरम करने के लिए। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम राई डालते हैं, हरी मिर्च डालेंगे, खड़ी लाल मिर्च डालेंगे और कुटी हुई लहसुन डालते हैं। इसको अच्छे से सोते करते हैं, लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा। फिर हम इसमें पालक डालेंगे। गैस की फ्लेम अभी थोड़ी मीडियम रखते हैं। लहसुन भून चुकी है, अब इसमें हम पालक डालते हैं। पालक नरम होने के लिए हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालते हैं। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालते हैं। खड़ी लाल मिर्च डाली है तो आप पाउडर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, आप जैसे टेस्ट खाते हो वैसे मिर्च डालिए। मैं थोड़ा सा 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। कुछ सेकंड के लिए हम इसे प्लेट ढक के रखते हैं ताकि पालक और अच्छे से पक जाएगा। प्लेट हटा के हम इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं और फिर से कुछ सेकंड के लिए प्लेट ढक देते हैं। अब हम प्लेट हटाते हैं, हमारा पालक और टमाटर दोनों अच्छे से पक चुका है। इसमें हम दाल डालते हैं, इसमें हम 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डालते हैं। आप इसमें इमली का जूस डाला तो भी चलेगा, जो भी आपके पास खट्टाई के लिए है वो डाल सकते हैं। दोस्तों, ये पालक की जगह आप मेथी होगी तो मेथी भी डाल सकते हैं, उसकी भी दाल बहुत अच्छी लगती है। बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स सेम है, पालक के बजाय आप मेथी डालिए। अब इस दाल को 1 मिनट के लिए हम बॉईल करने के लिए प्लेट ढक के रख देते हैं। हम प्लेट निकाल के देखते हैं, दाल हमारी बॉईल हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें पालक है इसलिए धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश हरा धनिया नहीं डाला तो भी चलेगा और आपको डालना हो तो आप डाल भी सकते हैं। अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। दोस्तों, हमारी ये पालक की दाल तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी है पालक होने के कारण, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। दोस्तों, अब मैं बना रही हूँ मूली की दाल। उसके लिए मैंने बॉईल करी हुई, जिसमें नमक और गुड़ डाला है, ऐसी दाल ले ली है। 1 बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है, 1 मूली को छिलकर उसके बारीक टुकड़े कर लिए हैं, हरी मिर्च है, जीरा है, राई है, नमक है, खटाई के लिए नींबू है और हींग है। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम राई डालते हैं, जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे,
कटी हुई हरी मिर्च डालते हैं और एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं, बारीक कटी हुई मूली डाल देते हैं जो कि टमाटर के साथ पक जाएगी। वैसे आप मूली को दाल के साथ प्लेट रख के भी कुकर में पका सकते हो, लेकिन उसकी टेस्ट अलग आएगी। ये दाल में मूली बॉईल होगी तो इसकी टेस्ट अलग आती है। अब इसमें हम हाफ टी स्पून नमक डालते हैं क्योंकि मूली भी है और टमाटर भी है, और प्लेट ढक के प्लेट रख के ढक देते हैं ताकि मूली अच्छे से पक जाएगी। अब इसमें हम हाफ टी स्पून हल्दी डालते हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, कर लेते हैं। हमारी मूली भी पक गई है और टमाटर भी नरम हो गए हैं। अब इसमें हम दाल डाल देते हैं, थोड़ा पानी में मिलाएंगे क्योंकि अभी ये गाढ़ी है और बॉईल भी होगी तो इसमें थोड़ा पानी मिलाते हैं। इसमें खटाई के लिए हाफ नींबू डाल रही हूँ। अब इसको बॉईल होने के लिए प्लेट ढक के रख देते हैं और गैस मीडियम पे रखते हैं। प्लेट निकालते हैं, हमारी दाल बॉईल हो चुकी है। अब इसमें हम फ्रेश हरा कटा हुआ धनिया डाल देते हैं और गैस बंद कर देते हैं। हमारी दाल बन गई, इसे हम सर्विंग बाउल में निकालते हैं। यह हमारी मूली की दाल तैयार हो गई है। दोस्तों, मैंने एक ही दाल को 7 अलग अलग टेस्ट में आपको बना के दिखाया। देखिए मैंने आपका काम कितना हल्का कर दिया है। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए और सबको अलग अलग टेस्ट में खिलाइए। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मेरा आइस रेसिपी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। दोस्तों, आपको वीडियो को एक ही बार सब्सक्राइब करना है, बाद में आपको सिर्फ लाइक और शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई रेसिपी के साथ।